करना पड़ रहा है मेरी मम्मी को, मेरे को है ना बिल्कुल भी नहीं देखे जा रहा, और कैसे उनके सामने रो भी नहीं सकते। तो फाइनली बिंदास काव्य की मम्मी को ऑपरेशन सक्सेसफुली हो चुकी है और काव्य की मम्मी को हॉस्पिटल में 2 दिन हो चुके हैं। काव्य तो अपने मम्मी को बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रख रही है और काव्य अपने मम्मी को खाना खिलाते हुए बहुत ही क्यूट लग रही है। क्या आप भी अपने मम्मी का ख्याल ऐसे ही रखते हैं या नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी मेरी तरह काव्य के बहुत बड़े वाले फ़ैन हैं तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। काव्य के साथ साथ काव्य के पापा भी काव्य की मम्मी को अपरिचित मूवी की मिमिक्री करते हुए बहुत ही हंसा हंसा कर एंटरटेनमेंट कर रहे हैं। फिर उसके बाद काव्य तैयार होकर अपने पापा के साथ नारियल पानी लेने के लिए जाते हैं। फिर 2 नारियल का पानी कितना थोड़ा सा है और अचानक ही काव्य कार में बैठकर रो पड़ती है अपने मम्मी का ये हालत देखकर।